दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के पास एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्राइड रोल में KYC किस तरह से कंप्लीट करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। लोग देख सकते हैं मैं आईडी को लॉगिन कर लिया हूँ। आईडी को लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर 3 डॉट डॉट है, उसमें क्लिक करेंगे। डॉट में क्लिक करने के बाद KYC पे क्लिक करेंगे। KYC पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इंटर पैन कार्ड नंबर में डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं मैं पैन कार्ड नंबर दिया हूँ, आधार कार्ड नंबर दिया हूँ, बैंक नेम दिया हूँ और बैंक अकाउंट नंबर दिया हूँ। उसके नीचे सेविंग सेलेक्ट कर लिया हूँ और IFSC कोड डाल दिया हूँ और बैंक की जो नेम है वो डाल दिया हूँ और ब्रांच भी डाल दिया हूँ। अभी मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे पैन कार्ड की इमेज देना है, आधार कार्ड की इमेज एंड कैंसिल चेक या पासबुक, तीनों चीज़ मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इमेज की ऑप्शन आ गया है, देख लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर लिया हूँ और आधार कार्ड भी किया हूँ, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट भी कर लिया हूँ। फिर मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिक KYC सेव सक्सेसफुली होगा, फिर इसमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो मेरा KYC जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा विड्रॉल प्रोसेस, विड्रॉल किस तरह से करना है। तो मैं सबसे पहले बैंक जाऊंगा। बैंक पे आने के बाद या मैं यहाँ पर देखिए डैश 3 डॉट डॉट है, उसमें क्लिक कर दूँगा। उसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा विड्रॉल रिक्वेस्ट, उसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर देखिए रिक्वेस्ट है, उसमें क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP, उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो OTP आपको आएगा वही OTP इंटर OTP पे डाल देना है। डालने के बाद सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको अमाउंट कितना है, सेलेक्ट करने के बाद इंटर अमाउंट डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, इनकम वॉलेट बैलेंस और कैशबैक वॉलेट। तो आपको इनकम वॉलेट बैलेंस जो है वहाँ पर शो होगा पैसा, वही आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटर अमाउंट डाल देना है, जितना पैसा वहाँ पर शो होगा वही डाल देना है। डालने के बाद सबमिट कर देना है, तो आपकी विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।